नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे बीच कोई मारपीट नहीं बल्कि पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे नेता प्रवीण पोटे ने मेरे केवल कान पकड़े थे और मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे मारा नहीं, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अजय सारस्कर का। भाजपा के शहर अध्यक्ष किरण पातुकर के अनुसार भी प्रवीण पोटे ने अजय सारस्कर को मारा नहीं बल्कि वरिष्ठ पार्टी नेता होने के नाते समझाया था। प्रवीण पोटे का भी कहना रहा कि उन्होंने पार्टी की बैठक में अजय सारस्कर को पार्टी मुद्दों पर समझबूझ दी थी तथा कुछ लोग इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और भड़काने की कोशिश चल रही है। आज भाजपा कार्यालय में एक बैठक के दौरान विधायक प्रवीण पोटे पाटिल और शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर तथा नगर सेवक अजय सारस्कर इकट्ठा हुए थे। उसी समय इन तीनों ने अमरावती मंडल से बातचीत की। कई दिवसों पासून जो हा प्रकार चालू है भारतीय जनता पार्टी से बदनामी होता है। आमचे जे नेते हैं प्रवीण भाऊ पोटे ते आमच्यासाठी कालही आदरणीय होते, आजही आदरणीय आणि उद्याही आदरणीय आहे। त्यांच्या काही म्हणजे चुकीच्या माहितीमुळं झालेल्या प्रकारावर आणि ते माझे मोठे बंधू आहे, वरिष्ठांचं जे काही मार्गदर्शन असते त्यांनी मला वेळोवेळी केलेलं आहे आणि यात कोण काय कोणाचं षड्यंत्र सुरू आहे हे तर आता तुमच्या माध्यमातून कळलं पाहिजे। यात किरणभाऊही आपल्याला माहिती देईल आणि हा किरणभाऊही आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि पुढे हा एक परिवार आहे आणि परिवारामध्ये लहान मोठे कोणी नसतात। आज अजयच्या माध्यमातून जो काही एक प्रकार झाला हा जो पेपरमध्ये वाचायला मिळाला, अजयचा 4 दिवसाच्या आधी असा मी कान पकडला होता, आजही सुद्धा पकडतो आहे, कारण हा माझा लहान भाऊ आहे। आणि पण आमच्या पार्टीतले काही कलाकार स्पष्ट सांगतात, शब्दाचा झाले तर नाव घेणार नाही, पण त्यांनी जबरदस्तीने या प्रकरणाला हवा दिली। हा अजय माझा लहान भाऊ आहे। आज अध्यक्ष किरण भाऊ यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी सगळेजण बसलो आणि त्याच्या मनात काय गैरसमज आहे आम्ही सगळा तो काढला आहे ऑलरेडी। त्याचा कोणताही गैरसमज नाही, कारण मागच्या वेळेस जर आपण पाहिलं तर गेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 45 नगरसेवक निवडून आले होते, त्यामधले 14 नगरसेवक जे निवडून येण्याच्या लाईनमध्ये नव्हते किंवा काहीतरी बॉर्डर होते ते, त्यामध्ये अजयसुद्धा होता। अजयला आणि अजय आज समोर असल्यामुळे अजयचं नाव घेतं स्पेसिफाय, बाकीसुद्धा 14 नगरसेवकाला आम्ही जबरदस्तीने निवडून काय कसं पद्धतीने निवडून आणलं हे आमचं आम्हाला माहिती आहे। हा माझा लहान भाऊ आहे आणि या पद्धतीनेच याला परत पुन्हा आपण याला हा मोठा माणूस होईल गजानन महाराजचा प्रसाद म्हणून याने असा कान पकडला, याचा आता सुद्धा कान पकडतो, या माध्यमातून दिसलं पाहिजे की हा लहान भाऊ आहे, त्याचा कान पकडणं माझं कर्तव्य आहे। आणि असं जेव्हा जेव्हा काम पडेल भारतीय जनता पार्टीचा मी एक नेता म्हणून नाही पण या ठिकाणी कार्यकर्ता म्हणून मला जेव्हा जेव्हा अशी काही भूमिका करावी लागेल ती मला करावं लागेलच आणि अवश्य मी ती करेलच हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो या माध्यमातून। परंतु यामध्ये आमच्या याच्यातले काही जी लोक आहेत जे हवा देण्याचा जो प्रयत्न करतोय तो हवा देण्याचा प्रयत्न अति चुकीचा आहे, कारण आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय हा आहे की त्यांना असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये किरण भाऊच्या माध्यमातून 45 सीटा या महानगरपालिकेत दिसल्याही पाहिजे म्हणून हा सगळा प्रकार चालू आहे। हा विनर कॅन्डिडेट आमचा, हा आमचा विनर कॅन्डिडेट आहे आणि याला सुद्धा जबरदस्तीनं काहीतरी क्लेश लावणं आणि काहीतरी एक वेगळे काहीतरी कलाटणी देणं हा त्याचा प्रकार आहे, त्याच्यामुळं अजिबात कुठल्याही प्रेसने किंवा कुठल्याही याच्यामध्ये हा असा अनुचित प्रकार येऊ नये या दृष्टिकोनातून आम्ही तिघे जण आज भारतीय जनता पार्टी सगळे कार्यकर्ते पदाधिकारी अध्यक्ष किरणजी पातुरकर आम्ही सोबत बसून हा सगळा निर्णय आपण एकत्र केलेला आहे आणि त्यामध्ये कोणीही क्लेश लावू नये आणि याचा गैरअर्थ काढू नये, कारण हा माझा पहिल्या दिवसपासून हा माझा नातेवाईक आहे, हा माझा छोटा भाऊ आहे, प्रत्येक प्रामुख्याने सांगतो आहे। आणि इथे कार्यकर्त्यांमध्ये एकमेकाशी कौटुंबिक संबंध असतात, कधी कधी कुटुंबामध्ये सुद्धा राग लोक होतात। तसंच अजय नगर अजय सारस्कर आमचा अतिशय चांगला असा नगरसेवक आहे, त्यामुळे विनाकारण गेल्या 1-2 दिवसामध्ये जे पेपरबाजी होऊन राहिली होती ती अत्यंत चुकीची होऊन राहिली होती आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारावर होऊन राहिली होती, असं काही करण्याचं अजयच्या डोक्यात नव्हतं आणि असं प्रवीण भाऊच्या डोक्यात नव्हतं। त्यामुळे आज आम्ही पार्टीच्या कार्यालयात येऊन सगळ्या जनतेसमोर आणि कार्यकर्त्यासमोर विचारत आहोत की विनाकारण या गोष्टीचं भांडवल करून राजकारण करून प्रवीण भाऊला आणि अजय सारस्कर दोघांनाही बदनाम करण्याचा आणि पार्टीलाही बदनाम करण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे, पार्टीतलेही काही कार्यकर्ते किंवा बाहेरचे असू शकतात, तो अत्यंत चुकीचा आहे। बिलकुल कोणत्याही प्रकारच्या पार्टीमध्ये अजय सारस्करमध्ये आणि प्रवीण भाऊ कोटेमध्ये यांच्यामध्ये कोणतंही किलमिश नाही आहे, आपसामध्ये राग लोभ नाही आहेत। अजय
प्रवीण भाऊ ज्या लहान भावासारखे आहेत आणि प्रवीण भाऊ त्याच्या मोठ्या भावासारखे आहेत। आज दोघांमधले जे काही चित्र पेपरमध्ये चाललं होतं ते संपलं आहे। आम्ही तिघांनी एकत्र फोटो काढलेला आहे आणि आता सगळेजण एकत्र फोटो काढतोय। पार्टीतलं पारंपरिक वातावरण पारिवारिक वातावरण जसंच्या तसंच कायम राहणार आहे आणि आम्ही सगळे एकत्र काम करणार आहोत। आज तुम्हाला ते चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे। ज्यांनी या चित्राला तडा द्यायचा प्रयत्न केला आज त्यांच्या तोंडामध्ये चपराक पडली आहे या सगळ्या याच्या माध्यमातून हे स्पष्ट झालं। कांग्रेस के पूर्व पालकमंत्री और गद्दावर नेता सुनील देशमुख तथा राहुल गांधी के निकट माने जाने वाले अमरावती के भैया पवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल राज्य के लिए अपनी जेम्बो कार्यकारिणी घोषित की। उसमें राज्य भर से 4 उपाध्यक्ष 16 महासचिव व 17 सचिवों की नियुक्ति का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इस नियुक्ति में अमरावती को इस बार अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। जहां एक और अमरावती से 2 उपाध्यक्ष बनाए गए वहीं इसके पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अमरावती जिले से 5 सचिव बनाए गए थे जिसमें आसिफ तवक्कल किशोर बोरकर दिलीप एड़तकर हरिभाव मोड़ व नंद किशोर कुईटे का समावेश है। जिले में आज एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया वहीं एक मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। फिलहाल अस्पताल में 8 मरीज भर्ती है। जिले में अब तक कुल 96,136 कोविड संक्रमित पाए चुके हैं जिसमें से 94,525 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में 15 एक्टिव मरीज पॉजिटिव है जिसमें से मनपा क्षेत्र के 11 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीजों का समावेश है। इसमें से 8 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं शुक्रवार को समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित मरीज पाए गए जिनमें बुलडाना से 1, अकोला से 2, यवतमाल से 1 मरीज का समावेश है। इसके अलावा शुक्रवार को संभाग से 7 मरीज कोविड मुक्त हुए जिनमें अकोला से 1, यवतमाल से 1, बुलडाना से 4 नागरिक शामिल है। संभाग में अब तक कुल 357,581 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं। राजस्थानी युवा मंडल और राजस्थानी महिला मंडल अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में आज 8 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में माता अम्बा व एकविरा देवी के दर्शन हेतु आने वाले दर्शनार्थियों के लिए तृष्णा तृप्ति जलपान कराने हेतु स्वर्गीय रामजीवन कालूराम नामवंदर सिराला की पावनी स्मृति में एकविरा देवी मंदिर परिसर में पानपोई का उद्घाटन समारोह हुआ। इस अवसर पर अमरावती के महापौर चेतन गावंडे रामेश्वर गगड़ दिनेश भूप प्रणीत सोनी रेखा बुथरा जगदीश कलंत्री बालकिशन पांडे रवि खेतान राजेंद्र बुच्चा आदि उपस्थित थे। स्थानीय आकोला रोड स्थित नवनिर्मित अग्रसेन भवन के विशाल प्रांगण में 26 दिसंबर से शुरू हुए अग्रसेन जयंती समारोह का समापन कल गुरुवार को पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुआ। समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल और नारायण रेकी सत्संग परिवार की नागपुर हेड सुधा तिवारी सुधा दीति अग्रवाल उपस्थित थी। प्रारंभ में महाराजा अग्रसेन की सामूहिक आरती गाई गई। स्थानीय पदाधिकारियों ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रस्तावना रखते हुए राजस्थान पंचायत के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने साल भर के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने आगामी आयोजन से भी अतिथियों का परिचय करवाया। नागपुर से पधारी सुधा दीदी ने गौर गरीबों को भोजन कराना चाहिए, जरूरतमंदों के लिए अग्रवाल समाज मदद को सदैव तैयार रहा है, परतोड़ा के लोग भी मदद कार्य में हमेशा आगे रहे, यही अनुरोध करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा यह पहला ही कार्यक्रम है जिसमें मैं प्रमुख अतिथि हूँ। आप सभी लोग सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे यही शुभकामना देती हूँ। लोकप्रिय हिंदी सांध्य दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने करीब 20 मिनट तक धारा प्रवाह पर अपने विचार रखते हुए समाज की ज्वलंत समस्याओं के लिए चिंतन मंथन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्रारंभ में कहा, ऐसा लग रहा है कि अग्रवाल समाज के घर में परतोड़ा में कोई भी नागरिक नहीं, सारे इस समारोह में आए हैं। मैं अतिथि बनकर पिछले 17 वर्षों से अग्रसेन जयंती के समारोह में आ रहा हूँ। विदर्भ में पूरा घूम चुका हूँ, गोंदिया भंडारा से लेकर आपके अचलपुर तक भी आ गया था। रहा देख रहा था कि परतवाड़ा कब बुलाया जाएगा। परतवाड़ा वाले बहुत ही ठोक बजा के वस्तु देखते हैं कि वो जिसको ला रहे हैं वो वस्तु अथवा व्यक्ति ठीक है अथवा नहीं। मुझे यहाँ पहुँचते 17 साल लग गए। अमरावती और परतवाड़ा के अग्रवाल समाज के प्रत्येक व्यक्ति का मैं नाम जानता हूँ। अनिल अग्रवाल ने आगे कहा कि समय की आवश्यकताओं को देखते हुए संयुक्त परिवार की अभी बहुत ही आवश्यकता है। राजस्थानी हितकारक मंडल के अंतर्गत राजस्थान युवक मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पूर्व अध्यक्ष घनश्याम वर्मा की मौजूदगी में यह नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इस युवा कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद की कमान अमित मंत्री को सौंपी गई है जबकि इस कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष व 35 युवा सदस्यों का समावेश किया गया। राजस्थानी युवक मंडल की इस नई कार्यकारिणी में सचिव
पीयूष गोयनका, उपाध्यक्ष नितेश पांडे, प्रवीण नामंदर, आशीष मुंदला, संकेत गोयनका आदि का समावेश है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा फूड विक्रेताओं को फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को केमिस्ट एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे के आदेश पर फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का आयोजन केमिस्ट भवन में किया गया। इस अवसर पर फूड सहायक आयुक्त शरद कोतले, अन्य सुरक्षा अधिकारी गोरे एवं चौहान मौजूद थे। इस दौरान मान्यवरों ने केमिस्ट को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फूड प्रोडक्ट की बिक्री यदि 12 लाख रुपए के भीतर होती है तो रजिस्ट्रेशन और 12 लाख से अधिक होती है तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नवरात्रि घट स्थापना के दिन सुर संगम सखी म्यूजिक ग्रुप की संचालिका अभिलाषा विश्वकर्मा की ओर से होटल रंगोली पल में भक्ति गीतों का सुमधुर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय मुख्य अतिथि के रूप में होटल की डायरेक्टर कल्पना देशमुख, डॉक्टर शीतल चौधरी व वुमेन एडवाइजर ग्रुप की संचालिका बड़गुजर उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन की गई। कार्यक्रम में भक्ति गीतों के साथ ही गरबा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बेस्ट गरबा के लिए अनुष्का को प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रभाग क्रमांक 17 गड़गड़ेश्वर के वल्लभ नगर 2 में स्थायी समिति सभापति सचिन रासने की निधि से होने वाले पवार के घर से कोशेकर व पुष्पक कॉलोनी के दिलीप वराड़े के घर तक के रास्ते का डांबरीकरण करने हेतु भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, महिला बाल कल्याण समिति सभापति सुनंदा खरट, नगर सेवक आशीष सतकरे, नगर सेविका इंदु सावरकर के हाथों भूमिपूजन किया गया। स्थानीय सुविख्यात व्यवसायी भूत परिवार के नए बुटीक ESB का शुभारंभ रविवार 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे विधायक सुलभा खोड़के के हाथों होने जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर उपस्थित रहेंगी। नगर वतनालय के समीप पहले माले पर 600 वर्ग फीट में फैशन का नया दालन 2015 में शुरू किया गया था। देखते देखते आज 5 वर्ष की अवधि में ESB यह बुटीक संपूर्ण विदर्भ में सबसे बड़े बुटीक के नाम से जाना जा रहा है। इस नए शोरूम का जयस्तंभ चौक के सामने उद्घाटन किया जा रहा है। नवरात्रोत्सव 7 अक्टूबर से पुलिस आयुक्तालय शहर व ग्रामीण भाग में शुरुआत होने के साथ ही श्री अम्बा देवी और एकरा देवी मंदिर दर्शनार्थियों के लिए शुरू कर दिया गया। गत 2 वर्षों से बंद मंदिर खुलने, मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ न हो इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाए। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अम्बा देवी और एकरा देवी मंदिर देव स्थान को भेंट देकर वहाँ के पुलिस बंदोबस्त की समीक्षा लाई। उन्होंने संपूर्ण CCTV कैमरा, पार्किंग व्यवस्था, दर्शनार्थियों का मार्ग आदि स्थानों की जाँच की। शहर के कैंप स्थित निर्माण कार्य विभाग परिसर में शुक्रवार को 2 वर्षों से लंबित बकाया बिल के रकम का भुगतान करने की मांग को लेकर अमरावती जिला कंत्राटदार एसोसिएशन की ओर से धरना आंदोलन किया गया। बता दें कि जिले के ठेकेदारों को निर्माण कार्य विभाग, जल संपदा विभाग, मनपा, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना व अन्य सभी शासकीय विभाग अंतर्गत किए गए विकास कामों का पिछले 2 वर्षों से बकाया बिल की रकम का भुगतान नहीं किया गया। बावजूद इसके ठेकेदारों ने सरकार के सभी कार्यों को बैंक व व्यक्तिगत तौर पर कर्जा लेकर पूरा किया। बकाया बिलों की रकम का भुगतान करने की मांग प्रशासन के पास करने के बाद भी बीते 1.5 से 2 वर्षों से प्रशासन की ओर से टालमटोल किया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों की परेशानियां बढ़ गई है। अनुसूचित जनजाति के विशेष पद भर्ती मुहिम अंतर्गत जिला परिषद में पात्र प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के आदेश पारित किए जाए, इस आशय की मांग को लेकर TDEAD BEAD स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन दिया गया। अमरावती के तखतमल होम्योपैथिक महाविद्यालय ने 2 डोज लगवाने वाले छात्रों को प्रवेश देने की शर्त रखी है। यह शर्त रद्द करवाकर नियमित प्रवेश शुरू करने की मांग को लेकर युवा सेना की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। चांदू रेलवे के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के घर पर कल प्रहार कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के बाद चांदू रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमले की घटना के बाद भी फोन पर व सोशल मीडिया द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते वीरेंद्र जगताप व उनके परिवार की जान का धोखा निर्माण होने के कारण आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर आरोपियों का सोशल मीडिया अकाउंट भी तुरंत बंद करने की शिकायत वीरेंद्र जगताप ने पुलिस आयुक्त सहित ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से की है। इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष बबलू देशमुख भी उपस्थित थे। प्रहार के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे घर के ऊपर कल हमला हुआ और मेरा पुतला मेरे घर के सामने जलाया गया, घोटमार की गई, पैसे भी छीने गए। वो आरोपियों को पुलिस के बजाय हमने पकड़ा और मैं एक राजकीय नेता हूँ, बच्चू कड़ू साहब के कार्यकर्ताओं की तरफ से मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे, धमकियाँ आ रही, बच्चू कड़ू की तरफ से आ रही, उसका उनको प्रोत्साहन है। इसलिए
हम यहाँ हमारे गांव के लोगों कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, सीपी ऑफिस जाते हैं, एसपी ऑफिस जाते हैं, अलग अलग ऑफिस में हमको काम के लिए जाना पड़ता है। तो उस अनजाने में एक आधे कार्यकर्ता ने हमको हमारे ऊपर हमला किया, तो हमको प्रोटेक्शन चाहिए। और जो लोगों ने व्हाट्सअप पर यशोमती ताई को गालो गलौज किया, यशोमती ताई का बाप निकाला, बबलू बहू का बाप निकाला, उसके सब पुरावे हमने सीपी मैडम को दिया और उनके खिलाफ़ भी उन्हें दाखिल करो, ये दोनों तीनों मांगों के लिए हम सीपी मैडम को मिलने आए थे। लेकिन भाव उनका जो आरोप है आपके तरफ से कुछ गाली गलौज हुई, अपशब्द कहे? बिल्कुल अपशब्द मैंने बच्चू गुरु के बारे में निकाला नहीं। वो अगर सिद्ध कर देते होंगे तो फॉरेंसिक एनालिसिस उसका करवाइए, हम दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं, ये तैयार। सामाजिक कार्य करने वाली पार्टी महासंचालक धर्मज्योति गजबीय को हटाने की कार्रवाई रोके जाने की मांग को लेकर जय संविधान संगठन की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्री को निवेदन भेजा गया है। निवेदन में बताया गया कि बीते एक वर्ष से महासंचालक धर्मज्योति गजबीय ने पार्टी संस्था के माध्यम से लॉकडाउन के दौर में अनेक सामाजिक कार्य किए हैं। मेडा की ओर से सरकारी स्कूल की इमारतों में चलाए जाने वाले ऊर्जा कार्यक्रम के जरिए बिजली के उपयोग में 30% की बचत होने लगी है। अमरावती जिले के 6 स्कूलों में यह उपक्रम सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है, यह जानकारी मेडा के विभागीय महाप्रबंधक प्रफुल्ल तायड़े ने दी है। अधिक शराब पीने से 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत होने की घटना जिला सामान्य अस्पताल में सामने आई है। मृतक का नाम हरिचंद्र माधवराव रोंगे बताया गया है। भातकुली तहसील के कलम गवान निवासी हरिचंद्र रोगे को शराब पीने की आदत थी। 2-3 दिनों से वह लगातार शराब पी रहा था, या नहीं तो वह खाना भी नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के स्वस्तिक नगर स्थित निजी अस्पताल में गुरुवार की दोपहर नवजात शिशु की मृत्यु होने का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उचित उपचार नहीं करने पर नवजात की मृत्यु होने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता महिला की बेटी गर्भवती रहने से उसका स्वस्तिक नगर स्थित एक डॉक्टर के अस्पताल में उपचार चल रहा था। गुरुवार को उसे 9 महीने 9 दिन की अवधि पूरी होने के बाद अस्पताल में प्रस्तुति के लिए भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा गर्भवती का उचित इलाज नहीं किया गया। उपचार में लापरवाही बरते जाने से प्रस्तुति के बाद महिला ने मृत नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके चलते परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। स्थानीय प्रताप चौक स्थित वीर प्रताप नव दुर्गा महोत्सव मंडल में कल शाम में पूजा अर्चना के साथ माता दुर्गा देवी की स्थापना की गई। इस वर्ष मंडल का 77वां वर्ष है। इस अवसर पर मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ई कॉमर्स नियमों की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करने व अज्ञात कारणों से नियमों में परिवर्तन में हो रही देरी के लिए महानगर चैम्बर अध्यक्ष सुरेश जैन ने खासदार नवनीत राणा, आमदार सुशुलबते खोड़के, संजय खोड़के को उनके कार्यालय में जाकर निवेदन दिया व इस बारे में विस्तार से चर्चा कर केंद्र सरकार से जल्द इस बारे में नीति निर्धारण कर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। मामूली विवाद को लेकर खेत में रहने वाले खेत मजदूर ने अपने साथी मजदूर की हत्या कर दी। यह वारदात 7 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे के करीब सेंद्रुजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र से सामने आई है। जानकारी के अनुसार वरुण में रहने वाले सुरेंद्र सेकेकर का आत्तरखोर परिसर में खेत है। इस खेत में छिंदवाड़ा के बेलखापा निवासी जगदीश उइके रहता था और मजदूरी का काम करता था। उसी खेत में पांडुना निवासी रविंद्र प्रजापति भी मजदूरी करता था। आरोपी रविंद्र ने कंबल लेने की बात को लेकर जगदीश उइके के साथ विवाद किया। इसी विवाद में आरोपी ने जगदीश के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे गंभीर घायल कर दिया। ज्यादा खून बह जाने से जगदीश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फेसबुक के माध्यम से जान पहचान बढ़ाते हुए प्रेम संबंध के माध्यम से महिला का यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया। यह नहीं तो महिला का 2 बार गर्भपात भी करवाया गया। इतना ही नहीं तो यह अन्याय यहीं पर नहीं रुका, जबकि अन्य 2 लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। यह वाक्य 4 दिसंबर 2017 से 6 अप्रैल 2021 की अवधि में घटित हुआ। इस मामले में गुरुवार को बंडेरा पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 9 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। जूना बाईपास पर स्थित उषा कॉलोनी में रहने वाले एक दंपति को 3,92,750 रुपए से ऑनलाइन ठगे जाने का मामला सामने आया। यह वारदात 21 अगस्त से 20 सितंबर के दरमियान घटित हुई। इस संदर्भ में सुधीर भेड़कर की शिकायत पर साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस आयुक्त क्षेत्र में आने वाले नानगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में इन दिनों बंद घरों में चोरी की सेधमार की घटनाएं तेजी से सामने आ रही।
थाना क्षेत्र के देशमुख लॉन के सामने स्थित पराग टाउनशिप में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। देशमुख लॉन के सामने स्थित पराग टाउनशिप में रहने वाली शिकायतकर्ता महिला 4 अक्टूबर की दोपहर 4 बजे के करीब घर को ताला लगाकर अपने मूल गांव मूर्तिजापुर में त्यौहार मनाने के लिए गई थी। अज्ञात चोरों ने बंद घर से सोने के आभूषण और नगद से 92,000 के माल पर हाथ साफ किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।